राकेश बापट के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बिग बॉस 15 में पहुंचे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट राकेश बापट को हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। हेल्थ से जुड़ी परेशानी के बाद उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट राकेश बापट की हाल ही में बिग बॉस 15 में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। बिग बॉस 15 में राकेश बापट की एंट्री को लेकर केवल उनके फैंस ही नहीं बल्कि शमिता शेट्टी के फैंस भी बहुत खुश थे। दरअसल बीती रात उन्हें किडनी में स्टोन की वजह से दर्द हुआ और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटलाइज कराया गया। आपको बता दें कि इस खबर के बाद से ही राकेश के फैंस उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पिछले दिनों राकेश की एंट्री के बाद शमिता शेट्टी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। बता दें कि बिग बॉस OTT में शमिता शेट्टी और राकेश बापट की बॉन्डिंग लोगों को बहुत पसंद आई और बिग बॉस 15 में भी दोनों का रोमांस अभी अभी ही शुरू हुआ था। दोनों के कैंडल लाइट डिनर डेट की फैंस के बीच बहुत चर्चा है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ये बुरी खबर अभी सामने आई है कि राकेश बापट बिग बॉस 15 से अभी बाहर हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है क्योंकि जो किडनी स्टोन की वजह से उन्हें दर्द झेलना पड़ा उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएं। जी हाँ, हम भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।